अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव होती है उसको किस तरह पोर्टेबल ड्राइव बना सकते हैं। यूजली मार्केट में पोर्टेबल ड्राइव जो अवेलेबल हैं 500 GB की या 250 GB की, 4000 to 10000 और कुछ जो है वो 20000 तक अवेलेबल हैं। लेकिन हम नॉर्मली जो है वो 1000 या 2000 रुपए के केस से अपनी जो आपकी नॉर्मली हार्ड ड्राइव होती है उसको हम पोर्टेबल ड्राइव बना सकते हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने जो है ये केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ये केस आप इजीली जो है वो बाय कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स से। अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, इसके अलावा जो है वो अलीबाबा पे भी और दराज पे भी ये केस इजीली अवेलेबल है और डिफरेंट स्टोर से आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं हार्ड ड्राइव केस किट कहते हैं, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके ज़रिए आप इजीली अपनी जो हार्ड ड्राइव होती है उसको पोर्टेबल ड्राइव को बना सकते हैं और उसके बाद ये ड्राइव बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी जो कि नॉर्मली पोर्टेबल ड्राइव वर्क करती है। ये जो हार्ड ड्राइव मेरे सामने मौजूद है ये मेरे लैपटॉप की निकली हुई है और ये 700 GB की हार्ड ड्राइव है। ये केस मैंने 1500 रुपीज़ में परचेस किया है। इसकी मार्केट डिफरेंट प्राइस हैं, 1000 से 1500, 2000 पे भी ये केस मिलता है, लेकिन नॉर्मली इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। इस ड्राइव को किस तरह जो है वो इस केस के अंदर हमने इंसर्ट करना है वो देखते हैं। इजीली यहाँ से ये केस आपका ओपन हो जाएगा। ये जो आपके हार्ड ड्राइव के ये वाला साइड है, इसमें जो है वो इस वाले जो आपके हार्ड ड्राइव के खांचे हैं उसको इस वाले खांचे के अंदर इसको फिट करना है सिंपली। ये आपकी हार्ड ड्राइव इसमें इंसर्ट हो गई, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके बाद जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको लैपटॉप के अंदर किस तरह फिट करना है, आपने सिंपल इसको इंसर्ट किया और यहाँ पे इसको हमने यहाँ से इसको जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे सारे प्रीवियस फोल्डर्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कि जैसे ही मैं हार्ड ड्राइव को इंसर्ट करूँगा ये देखिए मेरे जो है वो लोकल डिस्क F और ये मेरी रिमेनिंग हार्ड ड्राइव के फोल्डर आ गए जो कि वॉल्यूम H E है, ये मेरे हार्ड ड्राइव के फोल्डर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट बात जो बताने की है कि इसको कभी भी जो है वो आम USB की तरह आप जो है वो इजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक दफ़ा इंसर्ट हो गई, अगर आपने इसको फोल्डर ओपन किया जो भी आपकी फाइल है उसके बाद आपने इसको क्लोज़ करना है और इसको यहाँ से जाके सेफली इजेक्ट करनी है। USB इजेक्ट एक्सटर्नल ड्राइव, ये एक्सटर्नल ड्राइव जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब तक मैसेज नहीं आता कि सेफली सेफ टू रिमूव हार्ड ड्राइव, जब तक आप रिमूव नहीं करना, जब ये मैसेज आ जाए तो उसके बाद आप उसको इजीली जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पता चल होगा हार्ड ड्राइव आपकी चल रही है, उसके बाद जैसे ही आपके सेफली रिमूव करेंगे तो हार्ड ड्राइव यहाँ पे रुक जाएगी और इसको फिर आप इजीली जो है वो आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के मोर कंटेंट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो है वो आप ये पोर्टेबल ड्राइव बना सके या नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो कुछ लिंक भी शेयर करूँगा जिससे आप इजीली जो है वो ये किट जो है वो इजीली बाय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।